आईमैक्स कैमरा। पूरी दुनिया में ये सिर्फ 26 कैमरे ही बनाए गए हैं और इस कैमरे का रेंट एक दिन में 3 लाख रुपए तक आता है। पठान मूवी बनाते समय इसी कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। चलिए जानते हैं इस कैमरे में ऐसी क्या क्वालिटीज है जो ये इतना महंगा है। दुनिया के बदलते हुए दौर में कैमरों की क्लियरिटी और पिक्सल काफी अच्छा होता जा रहा है। आजकल की मूवीज 2K और 4K क्वालिटी वीडियोस में बनाई जा रही है। पर क्या फ्रेंड्स, आपको पता है ये 2K 4K और 3D वीडियोस क्या है? अगर पता भी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग बातें आपको आज बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं 2K 4K और 3D वीडियोस है क्या। दरअसल ये छोटे छोटे फोटोज को पिक्सल में बदलकर कई सारे फोटोज को मूव करके एक वीडियो बनाती है। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतने ही ज्यादा पिक्सल ऐड किए जाएंगे। जितने पिक्सल ऐड किए जाएंगे वीडियो की क्वालिटी उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। ये फोटोज की और पिक्सल की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही वीडियो क्वालिटी बनाता है। और यूट्यूब हमें वीडियोस की क्वालिटी का 4K 2K 1080 पिक्सल 720 पिक्सल ऐसे ऑप्शन देता है और यही सब चीजों की वजह से हमें कैमरे की क्वालिटीज का पता चलता है। आइए अब बात करते हैं आईमैक्स कैमरा इतना महंगा क्यों है। सेल्यूलर लाइन कई प्रकार के होते हैं, 70mm, 35mm। 70mm आईमैक्स कैमरे में होता है और 35mm को सबसे कम माना गया है। ज्यादातर थिएटरों में 35mm ही होते हैं। 35mm फिल्म 5 मीटर वाइड होती है, लेकिन सिनेमा स्क्रीन तो बहुत ही वाइड होती है, तो उसे प्रोजेक्टर से कंपैरिजन और एक्सपैंड किया जाता है और उसको स्क्रीन में दिखाने के लिए और उसकी 1.851 एस्पेक्ट रेशियो होती है। और 70mm आईमैक्स ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है और इसमें हर एक फ्रेम 70mm हाई और 15 परफोरेशन यानी 48.5 मिलीमीटर वाइड होता है। इसीलिए इसको स्क्रीन 15x70 फिल्म फॉर्मेट भी कहा जाता है। इसकी फिल्म स्क्वायर शेप होती है और इस फिल्म की एस्पेक्ट रेशियो 1.43 और ये फिल्म इतनी बड़ी होती है कि इसमें 35mm की 9 फिल्में आ जाएंगी। जब फिल्म इतनी बड़ी साइज की होती है तो इसका मतलब फिल्म बहुत ही हाई क्वालिटी की है। 70mm आईमैक्स 35mm क्वालिटी वाली फिल्म के मुकाबले 10 गुना बेहतर क्वालिटी वाली फिल्म होगी। और वीडियो की क्वालिटी को समझने वाली बात की जाए तो 18K वाले वीडियो की क्वालिटी देंगे और 18K वाली वीडियो को बताने के लिए बहुत बड़े स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। आईमैक्स के फिल्म की क्वालिटी को बताने के लिए 50 फीट ऊंची और 70 फीट चौड़ी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी आईमैक्स की स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है, जिसकी ऊंचाई 75 फीट है और लंबाई 105 फीट है। और जब आप आईमैक्स में फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि आप एक फिल्म का हिस्सा हो। और आईमैक्स के साथ 3D इफेक्ट करने के बाद फिल्म की क्वालिटी काफी इम्प्रूव करती है, क्योंकि 3D में डेप्थ ऑफ फील्ड का एक्सपीरियंस होता है जो कि फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। चलिए जानते हैं अब आईमैक्स से फिल्म कैसे बनती है और इसका वजन कितना होगा। आईमैक्स कैमरे का वजन बहुत हैवी होता है। आईमैक्स का वजन लगभग 100 किलो से भी ज्यादा का होता है। अगर नॉर्मल कैमरे की बात की जाए तो नॉर्मल कैमरे का वजन लगभग 20 किलो होता है। आईमैक्स कैमरे के साथ शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है और आईमैक्स कैमरा बहुत ज्यादा आवाज करता है। आईमैक्स में कुछ ही मिनट की रिकॉर्डिंग होती है और इस कैमरे को सेट करने के लिए लगभग आधा घंटा लग जाता है। आप सब ये समझ ही गए होंगे कि आईमैक्स में शूटिंग करना कितना मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, देखते हैं अब पठान मूवी रिलीज होने के बाद पठान मूवी में जो आईमैक्स कैमरा यूज किया गया है वो कौन सी क्वालिटी का होगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आईमैक्स से रिलेटेड है वो सब इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करो। इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।